बंदिश की खासियत क्या दोस्तों, एक तो दसवीं मात्रा से बंदिश उठ रही है, मतलब धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट, जो दूसरा तिरकिट आ रहा दोस्तों यहाँ से बंदिश उठ रही है। एक ताल में बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है, तो पंडित जी की कलात्मक बुद्धि का ये परिचय है। दूसरा दोस्तों, इसमें जब मैं आपको सिखाऊंगा बंदिश, इसमें जो समेट की तान है दोस्तों उसमें दोनों गंधार का प्रयोग है। देखिए सा नी पा मा ग ग सा, जो कि सुनने में बहुत कर्णप्रिय और एक चमत्कारिक पक्ष दिखता है। सा नी पा मा ग ग सा नी पा मा ग ग सा, ये समेट की तान है। बाकी आप कंपोजिशन अभी जब मैं बता रहा हूँ तो देखिए क्या गजब की कंपोजिशन है। पूरी कंपोजिशन सीखिएगा, पसंद आए तो पंडित जी को एज अ ट्रिब्यूट आगे भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज एक बहुत ही श्रद्धा युक्त लेक्चर मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ श्रद्धांजलि के रूप में। पंडित राजन मिश्र जी जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा वो हमारे साथ रहेंगे, उनको समर्पित उन्हीं की एक कंपोजिशन आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। ये छोटा ख्याल है, राग जोग में निबद्ध है, जो कि पंडित राजन मिश्र जी ने ही कंपोज किया है। पंडित राजन मिश्र जी, बताने की मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है उनके बारे में। वो आवाज़ जो प्रभु दर्शन कराए, वो आवाज़ जो संगीत की सार्थकता को स्पष्ट कर दे, वो आवाज़ जो राग गाए नहीं लेकिन स्वयं राग बन जाए, ऐसी आवाज़ हमारे बीच में अब नहीं रही है। 25 अप्रैल को उन्होंने शरीर छोड़ा दोस्तों। 1951 में आपका जन्म हुआ। बनारस घराने के आप आन बान शान हैं और हमेशा रहेंगे। एंड वी ऑल्सो प्रे फॉर गुड हेल्थ ऑफ साजन मिश्र जी, क्योंकि उन्हीं के थ्रू ही अब प्रत्यक्ष रूप से राजन मिश्र जी भी हमें दिखते रहेंगे और वो गाते रहेंगे हमारे बीच में। तो ये मैंने सोचा कि मैं आपको उन्हीं की कंपोजिशन, जो कि मैंने एक वर्कशॉप में सीखी थी दोस्तों, वो मैं आपको सिखाऊं। वैसे तो कोई भी राग आप लीजिए, चाहे आप मारूभी हाग लीजिए, चाहे आप मिश्र भैरवी के भजन लीजिए, चाहे आप नंद लीजिए। आप फेसबुक में देखते होंगे, आप अगर जुड़े हुए हैं संगीत से लगातार, तो आप पंडित राजन मिश्र जी की कला का अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। विशाल हिंद महासागर जितनी विस्तार पूर्वक उनकी कला थी दोस्तों, उसके बारे में अगर मैं बोलने लग जाऊं तो पूरा लेक्चर उसी में समाप्त हो जाएगा। तो मैं उनकी एक रचनात्मक बुद्धि का जो एक उदाहरण है वो मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा हूँ कि उन्हीं की रचना मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन जितने भी मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, बार बार रिपीट कर करके जो मैंने वो बंदिश सीखी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। राग जोग में निबद्ध है। राग जोग का बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूँ, आरो अवरो और इसका मुख्य स्वर समूह क्या है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको ये बंदिश सिखाऊंगा। जो बंदिश है दोस्तों ये पहले काले से मैं आपको सिखाऊंगा। जो टेम्पो आप रख सकते हैं इसका, इनिशियली आप इसका टेम्पो 160 रख सकते हैं, 160 to 180 आप इसका टेम्पो रख सकते हैं। राग जोग 6 स्वर इसमें लगते हैं दोस्तों, दोनों गंधार का प्रयोग है, काफ़ी थाट का राग है क्योंकि ग और नी इसमें कोमल है। जब मैं राग जोग कराऊंगा तो इसको मैं रागंग पद्धति से भी लिंक करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ क्योंकि मुझे एज अ ट्रिब्यूट पंडित राजन मिश्र जी को ये समर्पित करनी है, इसलिए मैं बंदिश पे ज़्यादा फोकस करूंगा, राग पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। राग का बेसिक स्ट्रक्चर, इसका आरोह अवरोह और पकड़ मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बंदिश सिखाऊंगा। परम आदरणीय राजन मिश्र जी को एज अ ट्रिब्यूट, और ये हम सबका उत्तरदायित्व बनता है दोस्तों कि हम इस बंदिश को अच्छे से सीखें। उनकी जो कला है, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको रोज़ रोज़ सुने और जितना हम सीख सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से उनसे हम सीखें, क्योंकि ऐसा सौभाग्य मिलना ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे गर्व है कि मैं उस युग में पैदा हुआ जिसमें पंडित राजन मिश्र जी ने जन्म लिया। तो देखिए राग जोग का बेसिक स्ट्रक्चर आरो अवरो, सा ग मा प नि सा सा नि प मा ग नि ग सा। आरो में शुद्ध गंधार है, अवरो में कोमल गंधार है। इसकी मुख्य स्वर संगति सा ग मा प मा
काफी थाट का राग है, वादी स्वर इसका मध्यम है, संवादी स्वर इसका षड्ज है। राग की टेक्निकलिटीज पे मैं जाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको मैं बंदिश सिखाऊंगा और आप ये बंदिश, मैं आशा करता हूँ कि जितनी शिद्दत और मेहनत से ये बंदिश बनाई गई है राजन मिश्र जी द्वारा और मैंने कोशिश की उसको सीखने की, आप भी उतनी ही कोशिश करेंगे। तो मूल रूप से दोस्तों 6 स्वर लग रहे हैं इसमें, सा ग म प नि सा नि प म ग सा, मतलब दोनों गंधार लग रहे हैं प्लस षड्ज तो लगता ही है, मध्यम पंचम कोमल निषाद। ठीक है, पेंटाटोनिक स्केल, अगर हम स्केल की बात करें तो पेंटाटोनिक स्केल है, लेकिन विकृत स्वर को भी कंसिडर करें दोस्तों तो 6 स्वर इस राग में लग रहे हैं दोस्तों। ये बंदिश बेसिकली एक ताल में है। अब मैं एक ताल की बात करूं दोस्तों, 12 मात्रा की ताल है, मैंने इस पे लेक्चर बना दिया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, वो आप देख लीजिएगा। एक ताल अगर आपको क्लियर नहीं है, धिन धिन धागे तिरगड़ तू ना कत्ता धागे तिरगड़ धी। पहले मैं इस बंदिश की खासियत बता दूं दोस्तों, इसमें तांत्रिकता भी है, इसमें कलात्मक पक्ष भी है और एक सुंदरता भी बहुत है, क्योंकि राग जोक इसमें चंचलता भी है और इसमें गंभीरता भी है। देखिए आप, सा ग म प म ग सा ग नि ग सा, शुद्ध गंधार चंचलता का सूचक है, जबकि कोमल गंधार करुणता और एक गंभीरता का सूचक है। वो दोनों रस इस राग में मिलते हैं, बहुत ही गजब का राग है। जब मैं आपको डिटेल में कराऊंगा आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अभी इस बंदिश को हम सीखते हैं। शब्द हैं, सजन का से कहूं अपने मन की बतियां, ये इसकी स्थाई है। सजन का से कहूं अपने मन की बतियां, अंतरा है दोस्तों इसका, गिन गिन रैन बिताऊं, गिन गिन रैन बिताऊं तड़पत हूं निशरतियां, भूख उठत हिया में, हिया कहते हैं दोस्तों मन हृदय को, भूख उठत हिया में और फटे छतिया। ये इसके दोस्तों साहित्य है, ये इस बंदिश का जो कि पंडित जी ने ही लिखा है। बंदिश की खासियत क्या है दोस्तों, एक तो 10वीं मात्रा से बंदिश उठ रही है, मतलब धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट, जो दूसरा तिरकिट आ रहा दोस्तों यहाँ से बंदिश उठ रही है। एक ताल में बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है, तो पंडित जी की कलात्मक बुद्धि का ये परिचय है। दूसरा दोस्तों, इसमें जब मैं आपको सिखाऊंगा बंदिश, इसमें जो समेट की तान है दोस्तों उसमें दोनों गंधार का प्रयोग है। देखिए, सा नि प म ग ग सा, जो कि सुनने में बहुत कर्णप्रिय और एक चमत्कारिक पक्ष दिखता है। सा नि प म ग ग सा नि प म ग ग सा, ये समेट की तान है। समेट की तान मतलब समेट कर जब हम सम पे आते हैं तो इस बोल तान के रूप में हम समेटते हुए आएंगे। सजन का से कहूं, कंपोजिशन वो अच्छी मानी जाती है जो कम स्वरों में ही राग को स्पष्ट कर दे, स्पेशली इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। देखिए, पंडित जी ने पहले स्थाई का जो मुखड़ा है दोस्तों उसी में जोक की क्या सुंदर विवरण दिया है। सजन का प्रारंभिक जो स्थान है मद्र सप्तक का पंचम, जो सम आ रहा है दोस्तों वो गंधार पे आ रहा है। सजन का से कहूं, सजन का पे सम आ रहा है इसका गंधार पे। देखिए, ज़्यादातर बंदिशों में वादी स्वर पे सम आता है, वादी स्वर इस राग का क्या है दोस्तों, मध्यम, लेकिन पंडित जी ने अपनी एक चमत्कार, एक कलात्मक, एक विस्तार पूर्वक बुद्धि का दर्शन देते हुए गंधार पे इस पे सम दिखाया दोस्तों। तो देखिए, सजन का से कहूं, कोमल गंधार लग गया, सजन का से कहूं, शास्त्र देखूं तो पानी सा ग म ग प म ग सा, पानी सा ग म ग प म ग सा। आई होप आपको इतना समझ आ गया स्थाई का ये अंग। सजन का से कहो, सजन का से कहो। अब देखिए, अपने मन की बतियां, अपने मन की, यहाँ पे देखिए तान का प्रयोग, देखिए
अपने गामा पा अपने मान की पानी पामा पानी सा मान की पानी पामा पानी सा बतिया पानी सा ने पामा गा गा सा। ये वो समेट की तान जिसकी मैंने बात की। तो स्थाई क्या मेरी सजन का से कहो अपने मन की बतिया सजन का से कहो अपने मन की बतिया सजन का। जो टेम्पो रखा है दोस्तों मैंने वो 170 के करीब रखा है दोस्तों, आप भी उसको उत्ता सेट करके इसका रियाज कर सकते हैं। दिन दिन धागे तिरगटू ना कत्ता धागे सजन का से कहो सजन का से कहो अपने मन की बतिया सजन का से कहो अपने मन की बतिया सजन का से कहो अपने मन की बतिया सजन का से कहो। ये इसकी स्थाई है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई। एक बार इसका मैं शास्त्र भी आपको गा के बता देता हूँ दोस्तों। पानी सा गा मा गा पमा गा कोमल सा पानी सा गा मा गा पमा गा सा गा मा पा पानी सा नी पमा गा गा सा पानी सा नी पमा गा गा सा पानी सा गा मा गा पमा गा सा। इसको अगर मैं ताल के साथ गाऊं तो दिन दिन धागे तिरगट तू ना कत्ता धागे पानी सा गा मा गा पमा गा सा पानी सा गा मा गा पमा गा सा गा मा पा पानी सा नी पमा गा गा सा पानी सा गा मा गा पमा गा सा गा मा पा पानी सा नी पमा गा गा सा पानी सा गा। ये इसका पीछे का शास्त्र, मतलब पंडित जी ने क्या स्वर रचना की वो मैंने आपको बताया, पंडित जी ने क्या शब्द रचना की वो मैंने बताया स्थाई का। अब अंतरा देखते हैं दोस्तों। अंतरा हमेशा हम जानते हैं उत्तरांग प्रधान होता है। तो देखिए गिन गिन रैन बिताऊं, सिंपल है एकदम। देखिए गिन गिन रैन बिताऊं पानी पामा गा मा पानी कोमल निषाद षडज के सहारे लग रहा है। पानी पामा गा मा पानी निसा सा गिन गिन रैन बिताऊं। आगे देखिए तड़पत हो निशरतियां नी निसा सा 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 निसा नी पा। वापस देखते हैं गिन गिन रैन बिताऊं। सम से प्रारंभ हो रही है अंतरे का जो मुखड़ा है दोस्तों, जबकि स्थाई का मुखड़ा दसवीं मात्रा से प्रारंभ हो रहा है दोस्तों। पानी पामा गा मा पानी निसा सा तड़पत हो निशरतिया, सिर्फ दो स्वर चल रहे हैं नी निसा सा 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 निसा नी पा। ये मेरा अंतरे की दो लाइन हो गई पूरी। तो देखिए गिन गिन रैन बिताऊं तड़पत हो निशरतियां। अब आगे देखिए क्या सुंदर कंपोजिशन है। देखिए अब दोनों गंधार का क्या गजब प्रयोग है। भूख उठत ही या में, मैंने बताया उतरते समय कोमल गंधार, चढ़ते समय शुद्ध गंधार। भूख उठत हिया में और फटे छतियां, दोनों गंधार का साथ प्रयोग देखिए अंतरे में भी और स्थाई में भी। तो देखिए भूख उठत पामा गा सा नी सा गा मा पा भूख उठत हिया में और फटे
पानी पमा गा मा पानी सा छतिया पानी पानी सा नी पमा गा गा सा पानी सा का यंत्र हो गया दोस्तों। तो एक बार मैं वापस आपको एक बार पहले मैं शब्द रचना के साथ गा के बताता हूँ, फिर स्वर रचना के साथ गा के बताता हूँ और फिर ताल के साथ गा के बताता हूँ। गिन गिन रैन बिताऊं, गिन गिन रैन बिताऊं, तड़पत हूँ निशरतियाँ, भूख उठत हिया में और फटे छतियाँ, सजन का से कहूँ पानी बामा गामा पानी निसासा। अब आगे तड़पत हूँ निशरतियाँ, नीनी सा सा नी सा नी पा, भूख उठत हिया में पामा गा सा नी सा गामा पा, और फटे पानी पामा गामा पानी सा छतियाँ, पानी सा नी पामा गा गा सा पानी सा गा मा गा पामा गा सा। चलिए इसको मैं आपको ताल में गा के बताता हूँ। सम से इसका अंतरा उठ रहा है दोस्तों। दिन दिन धागे तिरगड़ तो ना कत्ता, धागे तिरगड़ दी ना दिन, गिन गिन रैन बिताऊं, गिन गिन रैन बिताऊं, तड़पत हूँ निशरतियाँ, तड़पत हूँ निशरतियाँ, भूख उठत हिया में और फटे छतियाँ, सजन का से कहो वापस। गिन गिन रैन बिताऊं, पानी पमा गामा पानी निसासा, तड़पत हो निशरतियाँ, नीनी सा निसा नी पा, भूख उठत हिया में और फटे छतियाँ, सजन का से कहो पामा गा सा नी सा गामा पा, पानी पामा गामा पानी सा नी पामा गा गा सा पानी सा गा मागा पामा गा सा पानी सा गा मागा पामा गा सा गामा पा, पानी पामा गामा पानी सा नी पामा गा गा सा पानी सा गा मागा पामा गा सा, सजन का से कहो अपने मन की बतियाँ, सजन का से कहो। तो आई होप दोस्तों आपको ये बंदिश अच्छे से समझ आएगी। हम एक श्रद्धा सुमन के रूप में हम इस बंदिश को अच्छे से सीखेंगे और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप और कौन कौन सी रागों में आप बंदिश सीखना चाहते हैं। क्या आप विचार रखते हैं पंडित राजन मिश्र जी के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उनकी गाई हुई फेवरेट रागों का आप विवरण करेंगे। आपको कौन सी राग उनकी सबसे ज़्यादा पसंद आई वो भी आप बताइएगा, और आगे क्या चीज़ आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं वो भी बताइएगा। आपकी संगीतमय सेवा में ऐसे आता रहूँगा, एंड वी विल ऑलवेज मिस पंडित राजन मिश्र जी, एंड ही विल ऑलवेज बी अलाइव थ्रू हिज इमॉर्टल कंपोजिशन, इमॉर्टल आर्ट विच ही गेव टू अस। सो थैंक यू सो मच। आई होप दोस्तों आप ये बंदिश सीखेंगे और श्रद्धा सुमन के रूप में हम ये बंदिश उनको एज अ ट्रिब्यूट देंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, आपको कैसी लगी ये बंदिश, और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पंडित राजन मिश्र जी को हमेशा आप सुनते रहिएगा, वैसे तो आप सुनते ही होंगे लेकिन उनको और सुनिए, उनसे सीखते रहें। और मैंने भी ये कोशिश की, छोटा सा प्रयास किया दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। ओम शांति।
सजन हर से